यू आर वॉचिंग कुक स्मार्ट एंड आई एम संजीव कपूर। भाई आजकल आप देखते हैं कि फ्रूट्स वगैरह जो हैं बड़े महंगे होते जा रहे हैं। खैर खाने में फल सब्जियां सब कुछ महंगा होता जा रहा है, लेकिन कभी कभी जब स्पेशल चीज़ें बनानी होती हैं तो कुछ महंगी चीज़ें भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब ये जो रेसिपी है ना, ये महंगी रेसिपी होने वाली है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, 6 महीने भी एक बार बनाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। अनारी कोफ्ते हैं, और अनार कमाल का फ्रूट है, और इसमें अनार जो है फ्रेश वाला बढ़िया लाल अनार डाल के इस रेसिपी को बनाएंगे, और प्योर वेजिटेरियन है, कोफ्ते बनेंगे। देखते हैं क्या करना है। इसको बनाने के लिए फटाफट इसको शुरू करते हैं, और ये मेरे पास है थोड़ा सा तेल। ये गरम होने के बाद इसके अंदर अदरक, तो ये छोटी छोटी बीन्स कटी हुई हैं, बीन्स को मिक्सी में काट लें या इस तरह से छोटा छोटा काटें, और फिर इसे अच्छी तरह से पकने देना है हमने। और उसके साथ साथ ये मेरे पास गाजर, गाजर को बारीक ग्रेट कर लें। फिर इसके साथ इसमें नमक, ये हो गया नमक। इसके साथ साथ एक्चुअली थोड़े मटर भी चाहिए, तो ये मटर इसके अंदर, ये मटर थोड़े से क्रश कर दें, पके हुए मटर के दाने, और थोड़े क्रश करके आलू मैश किए हुए उबले हुए, उसके साथ साथ ग्रेटेड पनीर इसके अंदर। अच्छा, पनीर से ये जरा सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक, थोड़ा वाइट पेपर पाउडर ये इसके अंदर, इलायची पाउडर, इलायची पिसी हुई, ये जो सब्जियां हैं मटर गाजर और बीन्स, ये इसके अंदर। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। क्या मजेदार। अच्छा, इसमें ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, एक काम करते हैं, इसके अंदर डालते हैं थोड़ा कॉर्न स्टार्च, ये क्योंकि पनीर जो है उसके अंदर काफी मॉइस्चर होता है, और कई बार जो आलू है वो भी ऐसा होता है कि जब आप उसको फ्राई करते हैं तो वो फूटना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये फूटे नहीं, ये जरा हम इसे इंश्योर कर लेते हैं। मिक्स कर दिया कॉर्न स्टार्च, थोड़ा सा तेल हाथ पे, और ये जो है ये लिया, इसके अंदर ये लीजिए अनार के दाने, ये जो है इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है, ये हो गया। और इसके बाद ये मेरे पास जो है कॉर्न स्टार्च, ये लेकर इसको बस ये कोफ्ता, हाँ चलिए ये जब तक फ्राई होता है ना हम बाकी और बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे अनार वाले कोफ्ते फ्राई कर लिए हमने। चलिए कोफ्ते तो फ्राई हो गए, अब बारी आती है इसकी ग्रेवी की। अच्छा, ग्रेवी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें, और ये मेहनत में क्या है कि मेरे पास है ये उबले हुए प्याज। उबले हुए प्याज मतलब प्याज को लेकर आप आधा काट के पूरा काट के कैसे भी इसको आप ये प्रेशर कुक कर सकते हैं, या ऐसे इस तरह से पतीले में डाल के बॉयल कर लें, और बॉयल प्याज मिक्सी के अंदर डाल के इसको जरा पीस लेना है। ये लीजिए, ये जो प्याज है ये पीस लिया, ये देखिए एकदम महीन इसकी पेस्ट तैयार कर ली। तो ये ले लिया तेल इसके अंदर मैंने थोड़ा, और अब इसमें फ्लेवर, फ्लेवर के लिए ये देखिए बस मोटी इलायची, थोड़ी लौंग इसके अंदर, इसके अंदर कुछ छोटी इलायची, और इसके साथ साथ दालचीनी, ये आ गई। ये जो प्याज है ना हमारे पास, ये इसके अंदर, ये प्याज को कुछ देर पकने देते हैं। अब इसमें तीखापन, तीखापन हरी मिर्च का, ये देखिए हरी मिर्च इसके अंदर, वाइट पेपर,
ये इसमें, ये काजू की पेस्ट वाटरमेलन के सीड्स के साथ में जो है, हो गई ना रिच ग्रेवी। ये बढ़िया से इसको कुछ देर तक पकाना है और अब इसमें बारी आएगी एक बढ़िया से इंग्रेडिएंट डालने की, और वो इंग्रेडिएंट आप जानते ही हैं, वो है मेरा अनार का रस। तो ये ये देखिए तो ये थोड़ा सा पकने देते हैं इसे। इसके साथ साथ इसमें नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, ये गरम मसाला पाउडर जो है, बस। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। इसमें इलायची पाउडर पहले थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो ये इसको अब हम बंद करते हैं और इसे छान लेते हैं। तो ये लीजिए, ये ग्रेवी देखिए छनने के बाद में एकदम स्मूथ। तो ये हो गई ग्रेवी हमारी, वाह, ग्रेवी तैयार। और इसमें थोड़ा फ्रेश क्रीम डाल के इसको ये कर दिया एकदम स्मूथ। चलिए ग्रेवी तैयार। ये जो कोफ्ते हैं ये प्यार से जरा एक मैं काट के देखता हूं कि कैसे हैं कोफ्ते। ये देखिए ये कोफ्ते अंदर से अनार वाले कोफ्ते, तेज छुरी के साथ काटें, प्यार के साथ काटें। ये लीजिए, डिलिशियस। और इसे सर्व करने के लिए पहले डालेंगे ये बढ़िया सी ग्रेवी, अनार की ग्रेवी। बस ग्रेवी ली, कोफ्ते उसके अंदर। बस खाने में बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन स्वाद है, क्योंकि गरम मसाले भी हैं, तीखी भी है, दिखती वैसी नहीं है लेकिन है बड़ी कमाल की। जी हाँ, दिखती तो बहुत कमाल की है लेकिन तीखी भी है। थोड़ी सी तीखी बनाइए, वही सरप्राइज है इसका। अनारी वेजिटेबल कोफ्ता बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें, उसमें अदरक, फ्रेंच बीन्स, गाजर और नमक डालकर मिला लें। फिर हरे मटर डालकर मिलाएं और ढककर पका लें। मसले आलू एक बोल में डालें, उसमें पनीर, नमक, व्हाइट पेपर पाउडर और छोटी इलायची डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर सब्जियां डालकर मिलाएं। अब कॉर्न स्टार्च डालकर अच्छी तरह मिला लें। एक कढ़ाई में आवश्यकता अनुसार तेल गरम करें, मिश्रण के समान हिस्से करें और हर हिस्से को फैलाकर गोल रोटी जैसा बना लें। उसके बीच में कुछ ताजे अनारदाने रखें और गोल कोफ्तों का आकार दें। कोफ्तों को कॉर्न स्टार्च में लपेटें और गरम तेल में सुनहरा होने तक तल लें। उबले हुए प्याज पीस लें। एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें, उसमें बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, उबले प्याज का पेस्ट डालकर हल्का रंग बदलने तक भून लें। अब हरी मिर्चें, व्हाइट पेपर पाउडर और काजू मगज का पेस्ट बनाने के लिए 3 भाग काजू और 1 भाग मगज को साथ में पीस लें। इसको मिलाएं और भून लें। अब अनार का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर नमक डालकर मिलाएं और मिश्रण को उबलने दें। गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। तरी को छानकर एक साफ बोल में डालें और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। हर कोफ्ते को आधा करें। सर्विंग बोल में तरी डालें, उस पर आधे किए कोफ्ते सजा कर रखें, ताजे पुदीने से सजाएं और गर्मा गर्म परोसें।